चलने दो देखो, एक त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि, एक त्रिभुज के आधार में, एक त्रिभुज के आधार में, हाँ भैया वही आधार में 20% की वृद्धि तथा कोई सूत्र का काम नहीं, आधार में 20% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 20% की कमी, 20% की कमी करी जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, कितने कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। राइटिंग समझ में आ रही है? हमने कहा था चीजें दो बार डिपेंड करती है ना, 20% पहले ऊपर वाला जी जानते समझे काम हो जाती है नहीं, जो तरीका बताया जाता है उसमें तुम अपना सोच लेते हो। हमने कहा था ये सारी चीजें केवल दो बार निर्भर करेंगी, केवल दो बार गुणा भाग कराना है ना, तो क्षेत्रफल के लिए क्या करोगे दो बार, हम कहते 20% 20% का मतलब क्या, 1/5। अच्छा ये वृद्धि की कमी, पहले वृद्धि है, दोबारा क्या हो रही है 20% की, तो यहाँ पे 1/5 की कमी, ये ऊपर नीचे का मतलब समझ रहे हो ना, ऊपर की ओर मतलब बढ़ रहा है, नीचे की ओर मतलब घट रहा है, पहले 5 है, ये भी कितना पहले 5 कितना आएगा, फिर कितना कम होगा, 5 से बढ़ेगा ना 6, और इसमें 5 से 1 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 25 से 24 हो रहा है, तो क्षेत्रफल बढ़ा कि घटा, 25 से 24 बढ़ा, घटा, क्या हुआ, तो कमी, प्रतिशत बताओगे तो क्या कहोगे, कितना कम हो रहा है, 1, कहां से 25, प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा कराओगे, 25 से कम 4 एक कम, तो 4% की कमी है कि वृद्धि, कमी, क्योंकि 25 से 24 होगा। इसका दूसरा तरीका मैंने बताया था फॉर्मूला कि अगर मान लो अच्छे नंबर में लिखा हुआ तो आप प्रतिशत परिवर्तन ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्रतिशत परिवर्तन फॉर्मूला क्या बताए थे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, जो प्लस में हो प्लस में लिखो, वृद्धि को प्लस में लिखा जाएगा, कमी को, वृद्धि को प्लस 20 में लिख लिया, कमी को किस में लिखेंगे, माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, क्योंकि एक वृद्धि एक कमी, तो 20 गुणे कितना 20 बटे 100, अच्छा 20 से 20 जाएगा, और ये 1 2 0 दो दुना माइनस 4 का मतलब क्या दिखा रहा है, कमी 4% की कमी, ये ज्यादा अच्छा लग रहा होगा ना, ही कहीं कहीं बहुत बुरा फील कराएगा, ये सर इतनी कमाल आती है, सब में लगेगा, लेकिन यहाँ 16 सही 2/3, 66 सही 2/3, 5 सही 15/17, यहाँ सही दिन वहाँ फिर बेकार कर देता, बेकार नहीं करता, थोड़ा गंदी हो जाए। अब अगला लिखो, कहा नहीं आ रहा है, समीर है
अगला लिखो एक घन, एक घन नहीं पहले घनाभ कर दो, एक घनाभ, घनाभ घन घनाभ कभी सुना कि नहीं सुना, नाम सुना 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 लग रहा है कि नहीं पूरी कुछ बताओ खाना सब ऐसे करेक्ट है ना, हाँ सब ऐसे करेक्ट है क्या दिखता है लंबाई हो गई, ये क्या है, ये क्या है जिसमें लंबाई हो चौड़ाई हो ऊंचाई हो उसे क्या कहते हैं, अच्छा कमरा इसमें क्या क्या है, बाई चांस लूडो का पासा देखा है उसमें लंबाई भी चौड़ाई भी ऊंचाई भी तीनों एक जैसी होती बराबर है, अगर तीनों बराबर है तो घन, तीनों बराबर है तो क्या है घन है, तीनों अलग अलग या कोई दो अलग तो क्या है, तो एक घना की लंबाई में 10% वृद्धि, चौड़ाई में 20% वृद्धि, चौड़ाई में 20% वृद्धि, ऊंचाई में 25% की कमी करी जाती है, ऊंचाई में क्या क्या लिखा है, एक घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में 25% की कमी करी जाती है, तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, याद रखो एक चीज और बता दें, जहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आएगी वहाँ पे क्षेत्रफल नहीं निकलता है, क्या निकलता है, अच्छा आयतन पता है, ये बोतल है, बोतल में क्या भरा हुआ है, पानी का कोई क्षेत्रफल यहाँ नहीं, क्या है पानी का आयतन, आयतन का मतलब इसकी कितनी मात्रा है, ऐसे कहाँ तक भरा हुआ है, आधे से ज्यादा, आधे से तो हम कहेंगे इसका आयतन कितना होगा पानी का, यही तक, अच्छा बोतल का आयतन बताओ, बोतल का तो पूरा है, तो क्या बोतल के आयतन के बराबर पानी का आयतन है, नहीं, क्यों, क्योंकि थोड़ा भी खाली है, तो क्या हो गया, हाँ तो इसके आयतन, हाँ इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ी कम दिख रहे हैं, लड़के भी आधे हो गए, मिला मिला से पूछ किए, हाँ सैटरडे है, मैं लग रहा है आधी पढ़ाती होंगी ना, काम संडे है कल, थोड़ा काम नजर रहता होगा, लग गया सबका, हाँ कितना है, 1% कमी, हाँ 1% कमी, 1% की कमी, अच्छा यहाँ पे हमने कहा तीन चीज पे निर्भर करेगा, दो पे नहीं, जब इनकी इनको लगाने का नंबर आएगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मिटा दें, इसलिए अब ये 3D वाले हैं, इनमें तीन चीजों पे डिपेंड करेगा, दो पे नहीं, कौन कौन पे है, लंबाई चौड़ाई और भाई जितनी राशि होगी उतने निर्भर होगा, तो यहाँ किसका किसका गुणा कराओगे, लिख लो फार्मूला, लिखो घनाभ का आयतन, किसका आयतन क्या होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे आयतन को किससे लिखेंगे, आयतन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का वी लिख लें, लंबाई को क्या कहते हो एल, चौड़ाई को ब्रेथ से कहते तो बी, और ऊंचाई को ठीक, तो एल बी से चल जाएगा, हम कहते तीनों चीजों का गुणा कराते हैं एल बी और एच, तो क्या आता है, इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर आयतन, ठीक, अच्छा बताओ लंबाई में कितने प्रतिशत की, 10% वृद्धि है ना, अच्छा इसको कितना लिखते हो, 1/10, ऊंचाई में 20% वृद्धि है ना, इसको क्या लिखोगे, 1/5, ऊंचाई में कमी है 1/4,
तो पहले 10 5 और 4 ले ले, 10 5 कितना आएगा, 50 चौकी 200। अच्छा अगली बार बताओ, 10 में एक बढ़ेगा, 5 में एक बढ़ेगा, 4 में एक कम हो जाएगा, तो 66 कितना है, 94। अच्छा तो कम हो रहा कि ज्यादा, कितना कम हुआ है, 2 कम हुआ, कितना कहां से कम हुआ है, प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा कराओगे, काटो 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचा, तो एक कम 100 है ना, तो कितने प्रतिशत की कमी आ गई, 1% की कमी लगा लोगे, नहीं समझ में ठीक है, बहुत गड़बड़ लगा दी ना, सब लगाए थे किसी ने पढ़ी है तो मतलब समझ में आया, पढ़े ना ही पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आया ना, ये दिनकर जी ने तो कब लिखा था, अगले प्रॉब्लम का एक जो है मैम चैप्टर एग्जाम में रहा होगा जिसमें चांद पर क्या मुझे पूरा नहीं याद है, जिसपे अंतरिक्ष में नासा जो भेजता है ना पोलो मिशन, जब लोग क्या कहते हैं कि नीलम पहला कदम चांद पर नहीं रखा था, तो आदमी कहाँ तक पहुँच जाता है, चांद पर, मतलब वो विज्ञान की तरक्की को दिखाते हुए कहते हैं, पहला कदम आपने रखा था, अच्छा पहला मिशन किसने भेजा था, अमेरिका, पहला मिशन किसने अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष का पहला मिशन कौन भेजता था, अमेरिका, अंतरिक्ष में पहला मिशन कौन भेजता है, मानव युग, आ जाओ, नहीं पता है, रूस, रूस, तो रूस नहीं हुआ क्या था, तो ओवियस था नहीं, रूस था जिसमें कितने सारे देश थे, कौन कौन से आज का यूक्रेन याद है ना, तब रूस का हिस्सा था, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान है ना, और एक तुमने सुना होगा ताजिकिस्तान है ना, ताजिकिस्तान किसके, उज्बेकिस्तान की, ताजिकिस्तान में किसकी मृत्यु हुई, लाल बहादुर शास्त्री जी की, जो किसकी राजधानी है, उज्बेकिस्तान, उसमें उज्बेकिस्तान किसका हिस्सा होता था, सर जी आगे बढ़ो, काहे समय बेकार, उसको त्याग करना पड़ेगा सर जी, पर मैं ध्यान से धर्म को ने हमेशा त्याग किया, जी को भेजा हां, जी को भेजा उसका नहीं उपाय, जो दुख जगा देता है कहां, अच्छी उपाय लड़के हो, लड़कों के हिस्से में त्याग करके रोते तो नहीं, जी जा पीछे,
त्याग और बलिदान की नहर से अगला सवाल लिखो। एक घना की लंबाई में तेरा ओला सही 2/3। एक घनाब की लंबाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि। अगर किसी को पेज बचाने को सीखना तो इस लड़की से सीखो। क्या नाम है? दो एक हाँसिया बनाती है, आधे इधर क्वेश्चन आधे इधर, तुम लोग बर्बाद करते हो। उनको और बताए पूरे काफी में कुछ पेज बच जाएंगे। यहाँ लिखना चालू किया हमारे बाबा कहा करते थे ऊपर से लिखो, क्योंकि सब है ना कोई यूज तो होना नहीं है। सच्ची बात है। एक घनाब की लंबाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि। 16 सही 2/3% की वृद्धि। एक घनाब की लंबाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि। चौड़ाई में 20% की कमी तथा ऊंचाई में 66 सही 2/3% की वृद्धि करी जाती है। क्या करी जाती है? वृद्धि करी जाती है ऊंचाई में जाती है। तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन में कमी अथवा वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करो। जी सर। जो एरो बना दिया इसका मतलब क्या है? कमी और वृद्धि। ये वृद्धि है ठीक है। नीचे जाए तो कमी, नीचे जाए तो कहाँ रह गई थी इंदु? बदल ले आया करो। 9:45 पास ही 5:09 हाँ सही 5:00 हो भी सकता है। जी कितना है और लोग बताएं भाई। 5:09 हाँ तब हो गया। रोहित जी सर तुम्हारा नहीं है? एक मिनट कहाँ रह जाते हो यार तुम? सवाल लिख लिया ना। इसमें तीन चीज पर निर्भर करेगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। वैसे जो तरीका का लगाया गया वही लगाओ। उसमें दो लिखते थे, इसमें तीन बार बोला लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अच्छा तो आयतन निकालने के लिए क्या कहोगे? एल बी और एच बराबर बी आ जाएगा। तो लंबाई में कितना? 16 सही 2/3% की वृद्धि। अच्छा इसका मतलब क्या होता है? 1/6। चौड़ाई में कितना? 20% कमी हो रही है, इसको 1/5 लिखेंगे। ऊंचाई में 66 सही 2/3। अच्छा ये किसका मान होता है? जल्दी से 2/3 का। अच्छा यहाँ बताओ, पहले 6, 5 और 6, 5, 3 6×5=30 किया वायु ये आया। अगली बार 6 से कितना करना है? 7। यहाँ 5 से 6 ना कर देना है, कमी हो रही ना। और यहाँ 3 से 5 भी कमी होने की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। 3×2=5 तो 7×28 कितना होता है? 40। ज्यादा आ गया तो 90 से कितना बढ़ रहा है? 100। अच्छा वृद्धि हो रही की कमी देखिए बताओ कितना वृद्धि हो रही है? कहाँ से? प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे? 1 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ गया? हाँ ये आ गया तुम्हारा। आया कितना वैसे देख के बताओ? 5×9। अच्छा इसको बदलना है तो भाग कर लो इधर, जिनको थोड़ी सी मतलब कमजोर है लगाने वाले तो हाथ कर लेंगे। लेकिन 9×5 बचेगा 9×5 तो कितना आ गया बताओ भाई?
बचपन सही यही आया था सत्यम। इतनी की वृद्धि हो रही है ना, तीन ऊपर लगा दिए यहाँ से। पहले टेबल दिखाओ या देख लो। ये कह रहे हैं भैया एक भी क्लास जो है इस समय बिल्कुल ना करो ऐसा कि दिक्कत हो। अरे वो टेबल को सब समझ जाएगा, इतना सब आता है ऐसे बता ये। लेकिन दोबारा समझा ये भाग तो आता है, इसको हटा दे भाग। अच्छा प्रतिशत को बटे में बदलने के लिए क्या करते हो? तो कोई भिन्न है इसको प्रतिशत में बदलेंगे, अगर एक है इसको प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100%। अच्छा एक बटा दो हो तो कितना आ जाएगा? ऐसे ही हम निकालते चले गए, एक ये कितना हो जाएगा 33 एक बटे तीन, एक बटे चार कितना हो जाएगा बोलो 25, एक बटे पाँच कितना आ जाएगा 20, एक बटे छः कितना आ जाएगा 16, एक बटे सात कितना आ जाएगा 14, सही दो बटे तीन, उसके बाद एक बटे आठ कितना आ जाएगा 12, एक बटे नौ कितना आ जाएगा 11, सही बटे नौ, एक बटे दस कितना आ जाएगा 10, और एक बटे ग्यारह कितना आ जाएगा 11, एक बटे बारह कितना आ जाएगा 8, सही बटे तीन, 8 सही बटे तीन। कैसे रखो निकले हैं ठीक है, समझ आ गया? एक बटे तीन कितना है 66, सही दो, एक बटा तीन। अच्छा एक को दो करना किससे गुणा कराओगे? दो से। तो यहाँ किससे गुणा करा ले? दो। इधर भी किससे गुणा कराओगे? 66 बनेगा, दो एक कम, इसका मतलब 2/3 की वैल्यू कितनी है? 66 से 2/3 को 2/3 लिख लिया, 16 से ही 2/3 का मतलब कितना? 1/6। समझ गए? अब ये समझ गए तो सवाल बता दे, तेरे कोई दिक्कत नहीं बता दे, ये थोड़ा सा नोट कर ले यार, 2 मिनट में नोट कर लेते हैं तो 1 मिनट में फोटो में जाने चलेगा ना, अभी सवाल लगाने हैं, 1 मिनट में नोट कर लेते हैं। पानी भारत मनाई है, इसका बटे पाँच 2/3 नीचे की संख्या में इसका मूल होती है, यहाँ पे क्या करी जा रही वृद्धि, मतलब अगर पहले लंबाई 6 है तो बाद में बढ़ाया जाएगा, पहले 5 है तो 1 घटाया जाएगा, पहले 3 है तो कितना बढ़ाया जाएगा 2, तो पहले 6 थी 5 थी 3 थी। अब आयतन कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर आयतन आता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे तो कितना हो जाएगा? आयतन कितना हो गया? 90। अभी 6 से कितना कम कर, 1 ज्यादा करना है, कितना हो जाएगा? 60। 5 से 1 क्या करना है? 5। कितना हो जाएगा? 4। 3 से 2 बढ़ाना है, कितना हो जाएगा? तो हमने देखा आयतन हमारा कितना हो रहा है, 7 × 28 = 140। हमने देखा हमारा आयतन 90 से कितना हो गया 100, कितना बढ़ा? 50 बढ़ा। कहाँ से बढ़ा? 90 से। परिवर्तन कितना हुआ? 50/90। प्रतिशत में बदलने के लिए आपको पता है किससे गुणा कराते हो? 100 काट लिया, कितना आ गया? 500/9, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 50/5। समझ आ जाएगा? तो एक बेलन घर में रोटी बेलने वाला नहीं, एक बेलन बताएंगे बेलन कौन सा, एक बेलन की त्रिज्या में, एक बेलन की त्रिज्या में, एक बेलन की
त्रिज्या में एक बेलन की त्रिज्या में 18 सही 2 बटे 11 18 सही 2 बटे 11 हाँ प्रतिशत की वृद्धि कितना बोला है 18 सही 2 बटे 11 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिशत की वृद्धि तथा चौड़ाई में बेलन बोला है ना बेलन की त्रिज्या बोले हैं तथा ऊंचाई में तथा ऊंचाई में 25% की कमी करी जाती है 25% की कमी करी जाती है तो बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा याद रखना ये बेलन 25% की हाँ 25% की कमी करी जाती है तो बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा अभी जब आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो फार्मूले अलग आएंगे यहाँ पे केवल इतना याद रखो बेलन में दो चीजों को परिवर्तित किया गया है बेलन क्या होती है जैसे ये भी बेलन है ठीक है ये क्या है इसमें तुमको ये ऊपर वाली क्या दिख रही है ऊंचाई ये नीचे का दिख रहा है वृत्त जैसा दिख रहा है तो इसमें वृत्त में क्या होती है त्रिज्या ऐसे कोई चीज ऐसे है इसमें क्या होती है त्रिज्या होती है इसको हम क्या कहते हैं त्रिज्या इसको किसे दिखाते हैं आर्क और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का हाँ मैंने बताया था पाई आर स्क्वायर होता है ना लेकिन हमने कहा था जब ये वाले सवाल लगाएंगे तो हमारे पाई का कोई मतलब त्रिज्या कितनी बार बदलेगी दो बार त्रिज्या कितनी बार बदलेगी और त्रिज्या यहाँ पे दो बार बदलेगी और जब हम बेलन का आयतन निकालेंगे बेलन का आयतन आयतन को किसे लिखते हैं से ना ये होता है एक बटे सॉरी पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर देखो त्रिज्या कितनी बार बदलेगी ऊंचाई कितनी बार बस त्रिज्या को दो बार गुणा कराएंगे ऊंचाई को इतना याद रहेगा इन सवालों में त्रिज्या को कितनी बार गुणा कराएंगे दो बार और ऊंचाई को एक बार दो बार गुणा कराने का मतलब क्या इसका मतलब यहाँ अगर इसका आयतन निकालना तो हम ऐसे कहेंगे आर गुणे ऊंचाई कोई दिक्कत बाद में ना कहना कि ये फार्मूला हमने कोई बता दिया था ये केवल प्रतिशत परिवर्तन की बात हो रहा है ना त्रिज्या दो बार बदलेगी ऊंचाई एक बार ये मिटा दे नीचे वाला तो बताओ भाई इसका आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा तो बताओ क्या कहोगे आप आर गुणे एच बराबर आयतन आ जाएगा अच्छा ये कितनी बार बदलेगा दो बार तो एक बार में कितना बदल रहा है किसका मान होता है देखो एक बटे ग्यारह का तुरंत हमने क्या बताया था अभी देखो 9 सही 1 बटे ठीक 9 का कितना हो रहा है 18 तो किससे गुणा कराओगे 2 से इसका मतलब यहाँ भी किससे गुणा कराएंगे यहाँ 2 एक कम इसका 2 बटे 11 का मान कितना हो जाएगा 2 बटे समझ गया निकालना तो निकालना भी तो आप ऐसे देखा करिए मैंने कितनी वैल्यू बोली 18 सही 2 बटे तुरंत नीचे वाली संख्या का नीचे वाली मतलब कितना 1 बटे 11 ये तो पढ़े 1 बटे 4 1 बटे 5 1 बटे 6 1 बटे तो यहाँ पे कौन सी संख्या देखते हैं 1 बटे तुरंत तुम वैल्यू किसकी रखते 1 बटे 11 1 बटे 11 की वैल्यू कितनी होती है देखो भाई 9 सही 1 बटे तुमने देखा है यहाँ तो 9 है यहाँ 18 है 9 से 18 बनाना है किससे गुणा कराओगे तो अगर यहाँ 2 से कराओगे तो यहाँ भी किससे होगा और यहाँ भी 2 एक कम तुरंत कहते 2 एक कम 9 नहीं 2 एक कम तो ये बनाना सीख गए कि नहीं इसका मतलब 2 बटे 11 की वैल्यू कितनी होगी 18 सही 2 बटे इसलिए थोड़ा बदल दिया है कि हो सकता भाई जहाँ परिवर्तन आ जाए तो ये टेबल याद रखोगे बता लोगे इसका मतलब हमने कहा यहाँ पे कितना परिवर्तन होता है 18 सही 2 बटे 4.75 तो ये कई बार बढ़ेगा दो बार त्रिज्या में कई बार परिवर्तन होगा दो बार ऊंचाई में एक ऊंचाई कमी करी जा रही है तो इसमें एक बार हाँ अच्छा इसका मान 2 बटे 11 इसका 2 बटे 11 और यहाँ पे 1 बटे 4 तो पहले 11 4 है 121 चौको हाँ तो कितना हो जाएगा 4.74
ग्यारह का कराओगे 121 हो जाएगा, 121 को 4 से कराओगे 4 एकम 4 दुना ठीक। अब इसके बाद बताओ यहाँ पे 11 से कितना करोगे 13 यहाँ भी 13 हो जाएगा। अच्छा यहाँ 4 से एक कम कर रहे हो ना 3 होगा 3 हो जाएगा। अब बताओ कितना आ गया 169 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे 3 9 27 हो जाएगा 3 6 18 और 2 20 तीन एकम 3 2 तुरंत कहोगे कितना हो गया 5 तो। अच्छा आप बताओ 16 कितना बढ़ रहा है कि घट रहा है बढ़ रहा है ना कितना बढ़ा 23 ऐसे निकालो 484 में 16 जोड़े थे कितना हो जाता 500 यही 7 और जोड़ना पड़ेगा तो 16 7 या घटा लो 584 कितना आएगा कितना बढ़ रहा है यहाँ से 4.7 5 5 6 23 है ना। अब कहाँ से बढ़ रहा है 484 से हम कहेंगे कितना परिवर्तन होगा 23/484 कटता वक्त होगा नहीं सही है ना। मैंने सवाल ये देखो ये आसान से बोल देंगे अभी करना पड़ेगा क्या हमें ये काटोगे कितना हो जाएगा 25 चार एकम अब 25 को 23 से मल्टीप्लाई कराओ कितना हो जाएगा 25 दुना 75 25 दुना 50 बटे 121 अब इसको भाग कर लो भाई ऐसे 500 कितना 75 कई बार जाएगा 5 बार जाएगा ही नहीं ना 4 बार ही जाएगा कितना आएगा 484 कितना बचेगा 1 यहाँ पे 17 से 8 जाएंगे कितना बचेगा 9 बस यही आ गया आंसर और क्या कितना आ गया 4 शेषफल को ऊपर लिखते हैं और भाग जो करते उसको अजीब सवाल बोला था मतलब ऐसे नहीं आएगा उसमें देगा जाएगा 10% अगला लिखो किसी में बोलने जा रहे हैं ना कुछ समझ में आ गया नहीं समझ में कहाँ पे समस्या समस्या बताओ कि तुम इलाज बताओ मेरे दर्द दर्द है मतलब कहाँ दर्द है तो बताओ कहाँ पे दर्द है भाई तुम कहाँ बताया ना बेलन बेलन का आयतन किस पर निर्भर करेगा दो बार त्रिज्या पर और एक बार ऊंचाई पर त्रिज्या को कई बार गुणा कराएंगे ऊंचाई को कई बार कराएंगे त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है अच्छा तुम बताओ 1/11 की वैल्यू कितनी 9 को 18 बनाने के लिए किससे बड़ा करोगे इसका 2/11 का मान कितना हो जाएगा जहाँ पे 18 से ही 2/11 और 2/11 लिखे तो कोई समस्या हो। अच्छा कई बार लिखोगे त्रिज्या के लिए ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है 25 प्रतिशत को कितना लिख सकते हो 1/ अब बताओ त्रिज्या में दो बार की क्या होगी वृद्धि पहले 11 11 4 हमने कहा था त्रिज्या दो बार परिवर्तन है गुणा कराएंगे 11 × ऊंचाई 4 अगली बार क्या हो रही त्रिज्या में दो बढ़ाओगे 11 से कितना होगा यहाँ में 11 से कितना करोगे दो बार परिवर्तन लाना है ना दो बार वृद्धि हो रही तो 11 से 13 किया कितना हो गया 13 हो गया। और ये बताओ 4 में 1 कमी करोगे कि वृद्धि करोगे ऊंचाई में पढ़ो कमी हो रही है ना तो 4 से 1 कम करोगे कितना हो जाएगा 3 पहले आयतन कितना आया 400 बाद में कितना हो गया 500 अब बताओ आयतन बढ़ रहा है कि घट रहा है कितना बढ़ रहा है
कहाँ से पढ़ता है? 400। तो जहाँ से बढ़ता है उसको नीचे रखते हैं, जितना बढ़ता है उसको ऊपर। भिन्न आ गई 23/484। और भिन्न को प्रतिशत में बदल लेंगे, किससे गुणा कराते हैं। अब आगे काटना तो आता होगा, अभी समस्या है। देखो एक बेलन और किसी को नहीं समझ में आया। देखो एक बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि, एक बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 25% की वृद्धि करी जाती है। ऊंचाई में 25% की वृद्धि करी जाती है तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? त्रिज्या को कई बार बदलोगे, ऊंचाई को एक बार, इतना याद रखना, कोई फार्मूला नहीं याद करना। अभी अतुल लग जाएगा। त्रिज्या को कई बार छेड़ना, दो बार, और ऊंचाई को इक्यावन दशमलव, ये सचिन जो बता रहा सही है। हाँ 51.5% या 51 सही, बटा 4%। पहले 10-4 मानोगे, बुरा कराओ समझ पाएगा। इनका त्रिज्या 10 की 4, देखो 10 × 10 × 4 बराबर कितना है? बराबर लगा बराबर था, बताओ पूरा कराओ। 10 × 10 = कितना है? 100। 100 × 4 = 100 × 4 = 400। अच्छा बताओ अगली बार 10 से क्या करना है? बढ़ाना है, तीर लगा लिया, कोई बोला तो तीर मार दिया, तीर लगाओ वृद्धि हो रही ना, नहीं यहाँ बढ़ रहा है ना, तो वृद्धि के ऊपर चीज लगाओ। यहाँ से 63 हुआ है, कम हो रहा है ना, कम हो रहा है जी, सब तो बढ़ाया गया, इतना बात हो जाएगी। अच्छा तो दस से कितना करोगे? सब में वृद्धि की गई है, हाँ किसी में कमी नहीं, कमी नहीं ना, वैष्णवी लग रहा है। कितना आएगा अपने मन से कराएगा, दिखाना करो। हाँ कहा त्रिज्या को दो बार, ऊंचाई को एक बार, त्रिज्या कितना 10% वृद्धि हो रही है ना, 10% की, और ऊंचाई में क्या हो रहा है? 25% की वृद्धि हो रही है। 10 को कितना लिखोगे? 1/10, 1/10, 1/10, तो पहले 10 × 4 है ना, कितना आ जाएगा? 400। अच्छा 10 से कितना करोगे? 10 से 11 और 4 से 5, कितना आ जाएगा? 605। अच्छा कितना बढ़ा देख के बताओ, 400 से 605 बढ़ना पड़ेगा,
205 कहाँ से रहा है? पानी में 400 से निन्यानवे किससे पूरा करा? 205 कट गया होगा नहीं आता है ऐसे कल बना तो यहाँ रखा करो ना चार चार पंचे पाँच करोगे चार एक कम एक बचा इसको क्या लिखोगे जो शेष फल होता है उसको ऊपर जिसे भाग करते नीचे जो भाग फल आता है उसको सही में ना क्या लिखोगे इक्यावन सही बटे चार क्या होगा वृद्धि ना समझ में आ गया तू पता नहीं चेंज करते हैं ना एक शंकु का बोल देते हैं मान लो नाम बदल जाए इसी में लिख लो चाहे नोट में लिख लो नोट में लिखो नोट में रुपया वाला नोट नहीं निकालना है इसी में एन ओ टी ई को नोट एरो बनाओ लिखो बेलन शंकु हाँ बेलन शंकु घन घनाभ घन घनाभ और कुछ याद आ रहा है तो त्रिया आयामी हूँ गोला व्रत नहीं गोला इत्यादि पर यही सूत्र लगेगा यही का मतलब तीन बार परिवर्तन है ना जहाँ पे त्रिज्या की बात होगी वहाँ पे त्रिज्या दो बार बदलेगी और जहाँ त्रिज्या की बात नहीं वहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो दिया ही होगा यहाँ तीनों देगा तो ठीक है जहाँ त्रिज्या की बात कर लेगा तो दो बार बदल देगा लिख लो गोले में त्रिज्या तीन बार बदलेगी क्योंकि वहाँ त्रिज्या 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 ही होती है चल लो एक गोले का बोल ही देते हैं ना देखो एक गोले की त्रिज्या त्रिज्या में 20% की वृद्धि करी जाती है एक गोले की त्रिज्या एक गोला गोला में स्क्वायर है ना अच्छा गोला और वृत्त में अंतर पता है सबको देखो एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि करी जाती है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमने कहा था गोले में कितनी बार त्रिज्या बदलेगी तीन बार है ना गोले कैसे आ रहे देख लीजिए क्या कहने गए जो है हम चेहर दिवाली के अंदर नहीं बाहर है क्या तीन बार हमने कहा कभी नहीं सही 10% की बात करें ना 10 वाला जब भी आए तो 33% बोले क्या यस सर हां तब उसका सही 72 वाला कौन बोल रहा है 72% बोला है ना 20% की वाले बोले जा रहे हैं पहले 20% की वाले तो नहीं आते कौन सा 20% की वृद्धि की जाती है उसके बाद क्या बोला था आपने तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमने कहा था आर कितनी बार परिवर्तन करेंगे तीन बार तब वायु आएगा ना तो यहाँ पे 20% तो कितना 1/5 पहले 5 रखोगे गुणा करोगे कितना 5 से कितना बनाओगे 6 कितना हो जाएगा 216 कितना बढ़ेगा यहाँ पे 91 कहाँ से 125 से
125 के बाद जाएगा, 25 चौको 25 पंचे। अब बताओ इसको कराओ भाई, 4 एकम 4 और 4 9 36 बटे 5 भाग कर लो, 5 7 35 एक बचेगा, 5 9 10 25 तो कितना पड़ेगा 72.8% की वृद्धि। अब सवाल बदल देते हैं ना, अब कोई भी आएगा शंकु दे देगा, घन दे देगा, घनाभ दे देगा और बेलन दे देगा, गोला दे देगा, सबके लग जाएंगे ना। आप क्या हुआ लग जाएंगे, आज क्लास बहुत स्लो हो रही है। आप लोग अपने आते हैं इसको आ जाए जी, आप अपना आईपैड खोल दो सर जी, आप क्या कर रहे हो काफी देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, जितना स्टाफ दे देते हैं सर ये आईपैड। हाँ ये कर दे भाई साहब, क्या कर रहे हैं लेने दाने पानी से नहीं तो यार पानी निकालने उनका पनीर नहीं तो देखो एक चीनी की कीमत में एक चीनी की कीमत में अभी समझाते हैं, पहले सवाल बोल रहे हैं ठीक है। एक चीनी की कीमत में चीनी चाइना वाला नहीं है, चीनी कौन सी हाँ नहीं चाय वाली, एक चीनी की कीमत में 16.2% की वृद्धि, 16.2% की वृद्धि, एक चीनी की कीमत में 16.2% की वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार का खपत मतलब जो खाते हैं है ना, खपत मतलब खर्चा नहीं तो खाते हैं मात्रा में आधा किलो एक किलो दो किलो पांच किलो वो खपत है ना, खपत 20% घट जाती है तो खर्चे में क्या बदलाव होगा, तो खर्चे में कितने प्रतिशत बदलाव होगा, एक दूसरा बोलते हैं मैंने पहले जो पहले एकदम आसान वाला बोलना चाहिए, इसको नोट कर लो, इसके बाद में लगाना ठीक है ना। खर्चे में कितने प्रतिशत बदलाव होगा, खर्चे में कितने प्रतिशत बदलाव होगा, कितने प्रतिशत बदलाव होगा, चार पाँच लाइन छोड़ दो फिर एक सवाल हो जाए, पहले ये वाला लगवाएंगे फिर ये ना, चार पाँच नौ लाइन देखो चीनी के मूल्य में चार या पाँच चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर 20% की वृद्धि होने पर परिवार को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि खर्च अपरिवर्तित रहे या खर्च समान रहे है ना, या खर्च में कोई बदलाव ना हो, खर्च समान रहे, इसलिए बोल दिए कि कुछ भी लिखा जा सकता है, खर्च समान रहे ठीक है, देख लिया सबने। अच्छा बात करते हैं, बताओ मान लो तुम जो है 20 रुपए किलो चीनी खरीदते हो, रुपए तो चीनी का मूल्य कितना है 20 रुपए प्रति किलो, अगर महीने में 5 किलो खाते हो कितने किलो, तो अब अच्छा बताओ 20 रुपए में चीनी खरीद रहे थे, एक महीने में कई किलो चीनी खाते हो 5 किलो खाते हो, तो खर्चा कितना करते हो 100 रुपया, कैसे निकाला खर्चा का मतलब खर्चा है ना,
तो हमने कहा दो चीजें तुमको दी थी, एक तो चीनी का, तो चीनी का मूल्य मैंने कितना बोला 20 रुपए प्रति केजी, एक किलो चीनी 20 रुपए। हमने कहा आप कितना खाते हैं, खाने का मतलब खपत, खपत कितनी थी महीने की, तो आपका जो खर्चा आ रहा था वो कितना आ रहा था, आपने कहा 20 पंचे 100 किया है ना, तो 20 पंचे 100 करने का मतलब क्या होता है बताओ भाई, मूल्य को किससे गुणा कराया है, खपत से, यही तो है। तो हम ऐसे लिखते हैं कि मूल्य में किससे गुणा करा दें, तो क्या आ जाता है, देखो मूल्य में किससे गुणा कराया, तो क्या आ गया, इसका मूल्य को जैसे ही खपत से गुणा कराओगे क्या आ जाएगा, सवाल ने कह दिया नहीं, एक काम करो खर्च समान रहे, तुमको बढ़ाना क्या है मूल्य, पहले चीनी के रुपए मिल रही है 20, अब देखा आप 20 में नहीं मिलेगी, चीनी बढ़ गई 5 रुपए किलो, अब ये कितने में हो गई 25 रुपए प्रति केजी, तुम जो है कितने रुपए लेके जा रहे हो, वही 100 रुपए लेके पहुंच गए दुकान पे, अब तुमने जब 100 रुपए उसको दोगे चीनी के रुपए मिल रही, तो तुमको देगा कितना, तुमने क्या कहा इसका मतलब तुरंत हम 100 को किसे भाग करा लिए, और हमने निकाल लिया हमको चीनी कितनी मिल रही है, इसका मतलब खर्च अभी भी कितना है, खर्च कितना है, लेकिन क्या खपत में कमी आई कि नहीं है, खपत में आ गई, अब तुमको चीनी कितनी मिल रही है 4 किलो, पहले 5 किलो खा रहे थे अब कितनी खा रहे हो, डेली चाय में एक एक चम्मच चीनी कम, मतलब कम ही हो जाएगा, कब होगा जब खर्च को क्या रखना है समान रखना, अरे तुमको नहीं, तुम कहते नहीं हम अभी भी 5 किलो खाएंगे, तो क्या खर्च एक जैसा रखते, पढ़ाना पड़ता, अब 5 किलो चीनी खरीदो 25 के हिसाब से कितना लेके जाना पड़ता है, 125, तो क्या चाहोगे, अगर खर्च समान है तो क्या कमी आ जाएगी, खपत में कमी आ जाएगी, यही चीज याद रखनी, ठीक है, इतनी जो ये गाथा है इसका मतलब क्या है कि खपत को जो है समान रखना है, ठीक है, अगर हम मान लें बहुत सारे तरीके थे, एक तो ये मान लें 20% की वृद्धि होने पर चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 20% की वैल्यू बताओ, 1/5, हम कहते हैं पहले मूल्य कितना है 5 रुपए, फिर मूल्य को कितना होना है 5 से 6, मूल्य को 5 से कितना होना है भाई, तेरा पहले 5 है, 1 वृद्धि होगी तो मूल्य कितना हो जाएगा 6, अच्छा अब तुम खपत कुछ भी मान लो, हमने कहा मान लो मूल्य कितना है 5, मूल्य कितना है 5, तो तुम जो है चीनी खा रहे थे 6 किलो, कितने किलो, अरे अपने हिसाब से 6 खाओ 10 खाओ, हमने कहा यार 6 खा रहे थे, तो खर्चा कितना आया 20, अब हमने कहा मूल्य तुम्हारा 5 से कितना होगा 6, यहाँ 5 से मूल्य कितना बढ़ाना है 6, यह है मूल्य चीनी, यह क्या है खपत, तो तुमने कहा खर्चा आया 30, तुम्हारा मूल्य 5 से कितना होना है 6, तुमने कहा मूल्य तो 6 हो गया, अब बताओ देख के बताओ चीनी कितने किलो मिलेगी, तुरंत इसको कहोगे 5 रखना पड़ेगा तभी खर्च तो ये आएगा, इसका मतलब पहले चीनी के किलो मिलती थी 6 किलो, अब कितनी मिल रही है 5, कितना कम किया तुमने, 1 किलो, कहाँ से कम किया 1/6 मतलब प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा कराओगे 100 से, तो कितना आ जाएगा 16/2/3 प्रतिशत की क्या करोगे, ठीक है, बताने का भी आसान तरीका है, क्योंकि 5 से 6 बढ़ गए, इसीलिए जो उसके संपर्क है, अभी मान लो यहाँ पे 7 मान लो 20 अगर बोले तो ऊपर 7-2 होता, तुम 7 मान लेते, क्यों, क्योंकि आसानी रहता, मानने को तो कुछ भी मान सकते हो ना, अगले सवाल इसीलिए बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अगले में कुछ बदलाव और होने, अच्छा एक वृद्धि वाला बोला है ना, अब एक कमी वाला बोल देते हैं, इसको डायरेक्ट लगाना तो सूत्र है, इसका डायरेक्ट लगाना चाहो प्रतिशत में वृद्धि या कमी, अगर पूछता है यहाँ पे क्या पूछ रहा है कितने प्रतिशत की क्या करे कमी करे, तो प्रतिशत जब कमी पूछा जाए क्या पूछा जाए, प्रतिशत कमी, तब आप जानते हो क्या लिखोगे
ऊपर जो भी दिया हो, जो भी प्रतिशत परिवर्तन दिया हो, कितने प्रतिशत की ऊपर वृद्धि दी गई ना, वृद्धि हो रही, फिर नीचे में जो तुम्हारी जो वृद्धि है जो ये वाली ना, इसको क्या करोगे, इसमें ऐड कर लोगे, क्या कर लोगे, जब कमी निकालनी हो तो क्या करोगे, नीचे सौ में जोड़ोगे, इतना याद रखो, कमी निकालनी है तो सौ में क्या होगा, जुड़ेगा। अब उसे बताओ कितने की वृद्धि हुई थी, 20 की, 100 में कितना जोड़ोगे, 20, कितना हो जाएगा, 100, 20 से कम, 1 छक्का 100, इसका मान अभी देख चुके हो ना, कमी आई ना, कमी निकाल ले, ये कहानी कब की है, जब कमी निकालना है, अगली बार जब वृद्धि निकालना है तो यहाँ कमी होगी, माइनस कहीं जाएगी, हाँ लिख दे दोनों फार्मूले, लिख दे तो उधर नोट हो गया ना, अगर केवल इतना आता तो सीधा फार्मूला लगा लो, ये वाला इसलिए क्योंकि अभी थोड़ा सवाल और आगे बढ़ेगा तो इनकी जरूरत पड़ेगा। अगली बार क्या है, प्रतिशत कमी, यहाँ पे क्या प्रतिशत वृद्धि, यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि, यहाँ पे कमी, तो यहाँ कमी दिया जाएगा ना, कमी बटे सौ माइनस कमी, बोले अगला सवाल, चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर, चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर, 25% की कमी होने पर परिवार को खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे, वृद्धि करनी चाहिए कि खर्च समान रहे, सवाल लिख दिया मैंने, वृद्धि, हाँ कौन सा फार्मूला लगाओगे, वृद्धि करनी है ना, वृद्धि करनी तो ये वाला लगाओ, ऊपर कमी 100 से कमी घटा देनी, कितनी कमी करी गई थी, 25 घटा दो, उससे लगाते तो क्या कहते, मूल्य गुणे क्या होता है, खपत बराबर, मूल्य गुणे खपत बराबर क्या आएगा, खर्च, मूल्य कितना, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही, 25 को क्या लिखोगे, बटे 4, कितना लिखोगे, अच्छा 4 से कितना बनाना है, कमी करनी है ना, 3 करना है, हम कह लें ये 4 था और हम मान लें खपत 3 किलो करते थे, कितना, क्योंकि कमी करनी है ना इसलिए हमने 3 अपने हिसाब से मान लिया, क्योंकि 4 में कम करोगे तो खर्च कितना आएगा, 12, अब बताओ यहाँ पे 4 से कितना करना है, 3, अगर ये 3 कर लोगे तो तुम खपत को कितना करोगे, तभी तो ये 12 रहेगा, 3 से कितना हो रहा है, तो कितना आ जाएगा, 1/3, कितना आ जाएगा, 33/3 प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, ये तो ये वाला हो गया, इससे बताओ सीधे लिखोगे कितना, 25/100 माइनस 25 गुणे 100, तो कितना आ जाएगा, 25/75 गुणे 100, 100/3 की वैल्यू 33/1, वैसे हालांकि 100 लिखने कोई जरूरत नहीं, 1/3 जैसी है आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने टेबल में पहले लिखा हुआ है, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33/3, आपको अभी ये थोड़ा कम अच्छा लग रहा होगा क्योंकि डायरेक्ट फार्मूले में ज्यादा मजा आ रही है, हां मुझे सही पता, कुछ समय बाद जो है तुमको ये ज्यादा अच्छा लगेगा, दिमाग
सवाल जो होने थे अगला वाला कौन सा है? अब अगले वाले सवाल पे आ जाओ। चीनी की कीमत में इसको सवाल को वहाँ पे होना चाहिए है ना? तो पहले बोल दें बिठा दें सवाल बोलो। एक चीनी की कीमत में 16.3 की वृद्धि होने पर इसका मतलब चीनी की कीमत कीमत मतलब मूल्य 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 में वृद्धि हो रही है 16.3 तो पहले मूल्य गुणे खपत बराबर क्या आता है खर्च। मूल्य में कितने की वृद्धि 16.3 इसको कितना लिखते हैं बटे 6 तो 1 6 से बढ़ाना कितना करना है 7 तो कह रहा कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। किसने पूछ रहा खपत में कितनी कमी करी जाए और खपत में कमी की बात कर रहा है इसीलिए हम चुपचाप इसको 1 कम करके मान लेंगे कितना 5। अरे खपत अपने हिसाब से कहा था ना जितना कम ज्यादा हो वही यहाँ से कम कर लो। हम कहते चीनी की कीमत कितनी 6 और खपत हम मान रहे हैं कि 5 किलो खाते हैं कितना खा रहे हैं 5 तो 6 से 5 खाओगे कितना खर्चा होगा। अब बताओ चीनी की कीमत में कितना बढ़ाना है 6 से मूल्य वृद्धि हो रही ना तो 6 से कितना एक चीनी की कीमत में 16.3 प्रतिशत की वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है तो खर्चे में कितने परसेंट बदलाव होगा ये क्वेश्चन। खपत खपत में कितने की कमी आ गई खपत में 20% की हाँ तो दोनों लिख लें इसको 20% की क्या है ये कमी आ गई है और कीमत में कितने की आ गई 16.3 की वृद्धि में वृद्धि हो गई ये वाला 8/6 1/4 पहले 6 था ये 5 था कितना खर्चा होगा 20। अच्छा जो बदलाव कहे करो भाई यहाँ बढ़ाना है 6 से कितना करना है और यहाँ 5 से कितना करना है 4 तो अब बताओ खर्चा कितना हो रहा है 28 क्या दिक्कत पहले 30 रुपए खा रहे थे अब 28 की खा रहे हो 2 रुपया कम खा रहे हो हैं और कहाँ से 30 रुपए से बुढ़े तो आएगा नीचे 15 इसको काटना आता 100/15 कितना आता है 1/15 की वैल्यू बताओ यार 6 सही 8 ही देते हैं 5 3 15 5 2 20/3 5 3 15 5 2 10 1 0 आ गया 20/3 इसको भाग करा लो 3 से 3 6 18 2 बचेगा इसका मतलब क्या जो शेषफल है इसको ऊपर जिससे भाग कर दे और नीचे जो आया उसको सही कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही कि कमी देख के बताओ कितने प्रतिशत की कमी किसमें कमी हुई है खपत में खर्च में 28 क्या हो रहा है भैया खर्च में ये मूल्य है ये खपत है ये क्या है किसमें कमी हो रही है सवाल में खर्च पूछा है ये वाला ठीक है तो पहले बता दे तो थोड़ा कम समझ आया था इसलिए हमने कहा था पहले एक दो सवाल करा देते हैं फिर आगे आपको आ गए चलिए आज की क्लास में लोग यहीं आप करते हैं।